हेलो हरे कृष्णा, केम छो तमे? आखर ठीक छो? उम्मीद से कुशल मंगल हो, अपना घरों में हो, सेफ हो। तेम के खबर से एक पॉडकास्टनी सीरीज शुरू करी से कि मैं कहीं भी टॉपिक चूज करीने मैं रेन्डमली बोलवू से, अने मतलब रेन्डमली नहीं, थोड़ी रिसर्च वर्क हारे, सॉरी। तो आज जी टॉपिक चूज करो से ये बहुत इंटरेस्टिंग से, साइंस ने रिलीजियस नो कम्बिनेशन से, यानी साइंस ने धर्म नो एक कम्बिनेशन से बहुत हारो से। जेम के आखिर ने खबर से आज शनिवार से बजरंग बली नो वार से, तो अपने आखा ही बजरंग बली ना भक्त से आखे थी पहले तो जय श्री राम, जय हनुमान। अने एना बाद अपना हर घर में बच्चा बच्चा हनुमान चालीस वो वाँचे से, सीखे से, बोले से, उच्चारण करे से, आखे ही ना आवड़े से। हूँ जै स्कूल में तो सेवन एट में ते मैं सीखो तो हनुमान चालीस वो टैप रिकॉर्डर थी एम सांभतो, अने चार चार कड़ी एम सीखते, रोजना स्टॉप कर लिरिक्स लखते पी सीखते, तो एम मैं हनुमान चालीसो सीखो। अने बहुत मुश्किल लगी ता कि तैं गूगल हतु लेकिन एटली रसाई में नतु, रिसोर्सेस में नतु, तो लिरिक्स एना खबर न था, तो एम मैं हनुमान चालीसो सीखो। तो मारी भी बजरंग बली में तो बहुत श्रद्धा से, श्री रामना भक्त से आपड़े भी। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जी मैं जोई थी थोड़ा टाइम पहले, एक फिल्म जोई थी अने मैं थोड़ी रिसर्च भी करी थी, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जेम के हनुमान चालीस वो आखे ने खबर से कि चालीस कड़ी नो एक स्टेंजा से, चालीस वो से यानी चालीस कड़ियों से, तो मैं एक कड़ी से इन्हें कहे युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताही मधुर फल जानू। हवे एम जिसे युग सहस्त्र योजन पर भानु आ बेसिकली कड़ी रिप्रेजेंट करे जे हनुमान दादा बालक था, तो सूर्य ने फल हमदी ने तरफ लपैका था, सूर्य ने अपना मोढ़ा में ले लीधु तू। तो ई तुलसीदास जी ए 16वीं सदी में जे हनुमान चालीसवा नो उच्चारण कर्यो लिखो ते आपणे ने बतायडू, बेसिकली रिप्रेजेंट ई करे छे के जी जमीन जेमां आपणे रही छीए एनाथी सूरज नो डिस्टन्स, सन नो द डिस्टन्स फ्रॉम अर्थ टू सन ई कैलक्युलेटेड छे, केम बताड़वानो। अने युग आखे ने खबर छे एक युग 12000 साल नो छे अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, अने सहस्त्र जी टर्म छे इने ई हिंदी नो संस्कृत नो टर्म छे, एनो मतलब होय छे 1000, अने योजन मतलब 8 miles, सही छे। तो ई होय छे युग सहस्त्र योजन पर भानु, यानी भानु मतलब सूर्य, तो युग 1200 अगर मल्टीप्लाय बाय करी 1000 मल्टीप्लाय बाय योजन यानी 8 miles, जी आ तने ना आंकड़ा से, तो एनो जी फिगर बने से ई बने से 9,60,00,000, 9,60,00,000। अने जेम के आखे ने खबर से कि 1 mile मां 1.6 किलोमीटर, यानी 1 mile जो है ई 1.5 किलोमीटर से थोड़ू जास्ती होय छे, तो एने 1.6 से एने मल्टीप्लाई करो तो ये टोटल फिगर बने से 15,36,00,000 किलोमीटर, जी के साइंस है किधु से जमीन से सूर्य नो डिस्टेंस है, जमीन से सूरज नो डिस्टेंस है 15,36,00,000 किलोमीटर। इस साइंस है नासा डिस्कवर्ड करो 18वीं सदी में, अने तुलसीदास जी आपने बताड़ी चुका थे 16वीं सदी में, जस्ट इमेजिन 200 साल पहले, 200 years before when NASA discovered this distance। तो बहुत मोटी बात से अपना धर्म में आई चीजों से अने बारीकियों से अपने वाँची अपने में गौर करी आखो, तमे भी हनुमान चालीस पर वाँचो, मैं भी बचपन से वाँचो है, लेकिन ये चीज़ में अपने जोर नहीं दीधो, तो बहुत सारू ज्ञान से अने सांभजो तमने सारू लागसे, आगर भी फॉरवर्ड करजो। अने आ एक और चीज, हनुमान जी ए जैसे सूर्य ने मोढ़ा में लीधो तो सृष्टि में अंधकार छाई गयो, तो अंधारू थी गयु, तो सूर्य मोढ़ा में था, तो आखा ही देवी देवता परेशान थी गया था। एम इंद्रदेवे हनुमान दादा ने ठुड्डी में वहार करो तो वहाँ मरू थू, तो हनुमान दादा सूर्य निकाली दीदों, तो हनुमान दादा जी क्रोधित थे था, तो आखा ये मन मनाया था, तैसे हनुमान दादा नाम थू हनु, ठुड्डी ने चिन्ह ने संस्कृत में कहते हनु, तैसे हनुमान दादा नाम थू हनु, वना केसरी नंदन बजरंग बली ये आखा ही बजरंग बली नाम से, तो हनुमान दादानू आ नाम से। अने ज्या बहु बारीकी से कि आज अपना धर्म में से कि साइंस भी एने माने से, अने आपणे 200 वर्ष पहले ई चीज ने डिफाइन करूँ, अने हनुमान दादा तो जे खुद बाळक हता तो ये तो खुद वापर्युं गया, एने भी पहलेनी वात से, तो आपणो धर्म से बहु बारीकी से, दुनियानो आखो ही रहस्य आपणा धर्म में से, अगर आपणे वाँची तो। उम्मीद से आ वीडियो पसंद आव्यो होय, शेर करजो आगळ, अने लाइक, अने कंई क्वेश्चन होय तो कॉमेंट करजो, कहीं नॉलेज आम स्कीप हो या गलत हो तो क्यूरी करजो, मोस्ट वेलकम से। थैंक यू हरे कृष्णा, अने आ कोरोना वायरस से आम सेफ रहो, घरों में रहो, खुद भी सेफ रहो, घरवाले ने भी सेफ राखो, अने घरे सो तो
કંઈ રિલિજિયસ બુક વાંચો, રિલિજિયસ એક્ટિવિટી કરો, ભણાઈની એક્ટિવિટી કરો. મારે રિલેટેડ કોઈ ઓનલાઈન કોર્સીસના મુતાબિક કોઈ નોલેજ હોય, કોઈ કોર્સ કરવો હોય, કાંઈ બી ચીજ કરવી હોય તો મને રાબતો કરી શકો છો. બાકી હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ સો મચ.